तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म के पास लेकर गए थे। उसके कई कारण थे, वायु दृष्टिकोण से कारण दिखाई पड़ रहा है कि उन्हें सुख था और उनके सुख को कोई नहीं कर पा रहा था, तो यह बाह्य कारण है। आंतरिक कारण है कि वे चाहते थे अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम इच्छा पूरा करना। तीसरा कारण है कि संसार में विष्णु सहस्त्रनाम का वे जन्म चाहते थे, विष्णु सहस्त्रनाम का प्रकट चाहते थे। और चौथा कारण है कि भक्तों का भक्ति और उनके जस में वृद्धि के लिए भगवान जैसा गीता में कहते हैं कौन देव और ज्ञान ही हमें भक्तिया कर सकते, इसको सीखकर। तो यहां पर हम बाह्य कारण को देख रहे हैं, जैसा कि बताया कि बाह्य कारण था महाराज विष्णु के सुख को दूर करना, उन्हें सुख देना। हम लोगों के पास कोई आए बात करने के लिए कि हाय हाय मैंने बहुत कुछ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उन प्रभु को मैंने डांट दिया और या मार गाली दे दिया या मार दिया या अवध व्यवहार किया और इसका पश्चाताप होने को। और कोई दो प्रकार से समझाने का तरीका, एक तरीका तो यह है कि बतलाना कि आपने जो किया वो उचित नहीं था, लेकिन उससे व्यक्ति संतुष्ट हो भी सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके व्यक्ति तब संतुष्ट होता है जब उसके मन के अनुरूप उत्तर मिल जाए। जब मन के अनुरूप उत्तर नहीं मिलता है तो आप कितना भी रचा पचा कर पिलाओ लेंगे उसका मन भरता है, उसको उत्तर चाहिए। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि यदि छोटा लाइट है उसके सामने बड़ा लाइट ले जाया जाए तो छोटे लाइट का जो प्रकाश होता है वो बड़े लाइट में विलीन हो जाता है, या दुख से दुख जाता है, कहा होता है। तो उसी फॉर्मूला को पितामह भीष्म ने अपनाया है, दुख से दुख जाता है। छोटा दुख है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है दर्द हो रहा है, पूरा अंगुली कट जाए तो वो छोटा कटा हुआ है उसका दुख पता नहीं चलेगा, अंगुली कट गया है दुख से दुख जाते हैं। इसी सिद्धांत को पितामह भीष्म बोल रहे और इसीलिए कह रहे हैं तुम जिस दुख को कह रहे हो वो तो नकड़े हैं उन दुख के सामने जो तुम लोगों पर। अहो कष्टम अहो अन्याय यज्ञम धर्मनंदनम, दुख का तो बात कह रहे हैं। देखिए यहां पर अब तक से कोई कहा नहीं है, पितामह भीष्म से युधिष्ठिर महाराज पूछे नहीं है कि आप मुझे समझाइए, या ग्लानी प्रकट नहीं किए, कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही हुआ है कि वे देखे कि वे रो रहे हैं और दोनों रो रहे हैं, पितामह भीष्म भी रो रहे थे और पांडव गण भी रो रहे थे। लेकिन जो अपने सुहृद होते हैं उन लोगों से दिल का संबंध होता है, बिना बताए ही पता चल जाता है। तो पितामह भीष्म को बताने की जरूरत नहीं थी, वो जान रहे हैं जो दूसरे यहां पर आए हुए हैं, सब कुछ पितामह भीष्म जान रहे हैं और सभी बातों को क्लियर किए पितामह भीष्म आगे। तो पहला बात क्लियर कर रहे हैं वह यह युधिष्ठिर के दुख का है, कहते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम यज्ञम धर्मनंदनम, तुम लोगों पर कितना कष्ट हुआ
तुमने कितना अन्याय सहा, और कहते तुम लोग धर्मनंदन, धर्मनंदन के दो अर्थ होते हैं, धर्मनंदना जो धर्म में आनंद उठाने वाला है वह भी धर्मनंदन कहलाता है। तो एक अर्थ है धर्मनंदना का, तुम लोग सब सब धार्मिक हो, तुम लोग धर्म में आनंद उठाने वाले हो, और दूसरा अर्थ है कि ये सब लोग महाराज पांडु के धर्म पुत्र थे, महाराज पांडु के सेनन सम नहीं थे, उनके विधि से उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि उनके आदेश के विधि से उत्पन्न हुए थे, तो ये धर्म पुत्र थे एक तरह से। और तीसरा अर्थ है कि ये सामान्य बालक नहीं थे, युधिष्ठिर स्वयं धर्म के अंश थे, भीम वायु के अंश थे, अर्जुन इंद्र के अंश थे, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश थे, तो देवताओं के अंश, और देवताओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि धर्म का वे पालन करें, जो शत्रुघ्न प्रधान होता है उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि धर्म का पालन करें। यहाँ पर धर्म नंदना सब तीनों अर्थों में किया जाता है, लेकिन समझाने के अर्थ में धर्म नंदना का अर्थ कह रहे हैं तुम लोग धर्म में ही आनंद लेने वाले हो, धर्म के सच्चा पुत्र हो। तो जो धर्मात्मा लोग होते हैं उनको थोड़ा कष्ट होता भी है, तो अपने कष्ट को ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, उनके द्वारा जब दूसरों को कष्ट हो जाता है तो वह ज्यादा उनको कष्ट देता है, कोई उनको कष्ट देता है तो कभी इनको ब्रॉडकास्ट, हरिदास ठाकुर को 22,000 मारा गया है, वो कहीं भी ब्रॉडकास्ट नहीं करे, बदमाश है, मुसलमान लोग हैं हमको बहुत मारे हैं, हाथ पैर तोड़ दिए, कई बोले हैं हम लोगों को ऐसा कुछ हो जाए, हम लोगों को गाली भी दे रही थी, तो प्रभु देखो और अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, बोलो उसको नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, ठीक है हम लोग सीधे जा करके भागवतम के एक एक वर्ड जो है वो सीखने सीखना चाहिए, कैसे वैष्णव बनना चाहिए, पांडव जो वैष्णव कैसे बनना चाहिए सीखना चाहिए, अपने पर अमानिना मान देना कृतज्ञ सदा हरे। तो कहते तुम लोग धर्म मंदन हो, धर्म के पुत्र हो, धर्म का परिचय यही है कि अपने पर दुख आता है तो उसको नहीं मानता, लेकिन दूसरे पर दुख दे दिया है तो उससे दुख देता है, अहो कष्टम अहो अन्याय। उधर जो दृष्टि छाती पीट रहे थे पिता विश्व छाती पीट रहे, कितना तुम लोगों को कष्ट सहना पड़ा, कितना अन्याय हुआ, हम कष्टों का गणना किया जाए, अन्याय का गणना किया जाए तो हम लोग जानते हैं कुछ कष्ट, जैसे उदाहरण के लिए मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, सब प्रकार के कष्ट किए गए पांडवों को। मानसिक कष्ट दुर्योधन कहता था कि तुम दूसरे के बच्चे थे, हमारे के बच्चे थे, तो इंसल्ट करना बहुत बड़ा कष्ट था। शारीरिक कष्ट जैसे विष भीम को दे देना, लक्षागृह में आग लगा करके जलाने का प्रयास करना, इत्यादि इत्यादि। और अन्याय, ये लोग स्वाभाविक महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के स्वाभाविक राजकुमार थे, न कि वे महाराज पांडु के बड़े पुत्र थे, क्योंकि वह राज महाराज पांडु का था, युधिष्ठिर का राज नहीं था, सॉरी धृतराष्ट्र का राज नहीं था, वो पांडु का राज था, और हेरिडिट्री तरीके से देखा जाए तो कुरुवंश में युधिष्ठिर बड़े थे, पांडु के भी बड़े पुत्र थे और कुरुवंश के भी बड़े पुत्र थे, कुरुवंश का बड़ा पुत्र हो जाना ही राज्य प्राप्त करने का एकमात्र लक्षण नहीं है, बल्कि उसमें योग्यता है, युधिष्ठिर में योग्यता थी वो दुर्योधन में कभी कहीं बहुत दूर तक नहीं थी। जैसे मैं कई बार उदाहरण दिया हूं कि एक केस था जिसका जजमेंट करना था कि एक आदमी को मिलकर एक आदमी को चार लोग मिलकर मारे थे,
तो दुर्योधन से पूछा गया कि क्या युद्ध क्या होना चाहिए, दुर्योधन का क्या करना है, ये बदमाश को चार मिनट का मारे फोन का रखा टिट फॉर टैट। जब दुर्योधन से पूछा गया तो ये पता लगा था कि ये कौन है, कौन ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था, चार मिलकर के लड़ाई करते। तब चारों को एक भी दंड नहीं दिया जाता है, ब्राह्मण का दंड अलग होगा, क्षत्रिय का दंड अलग होगा, वैश्य का अलग होगा, शूद्र का अलग होगा। तो युधिष्ठिर महाराज माइन्यूट डिटेल लिया करके, क्योंकि यदि कोई गलत किया है तो राजा का धर्म है उसे दंड देना, यदि दंड नहीं देता है तो भी गलत है और निर्दोष दंड देता है तो भी गलत है। इसलिए राजा को या हेड को ये जानना बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर महाराज जन्म से और कर्म से सब प्रकार से योग्य थे हस्तिनापुर के राजा बनने, राजकुमार बन गए, लेकिन उनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा। उसके बाद दूध गिरना यह अन्याय, सिर्फ कितना कष्ट, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट हुआ, पति के सामने पत्नी का चिरहरण हो रहा है, पांडव लोग क्या बीत रहा होगा उस समय। तो युधिष्ठिर महाराज के सामने एक एक बातें कह रहे हैं, अहो कष्टम अहो अन्याय, एक कष्ट नहीं हुआ अनेक कष्ट हुआ, लेकिन तुम लोग सहन किया, क्योंकि ये जीवन धर्म नंदन, तुम लोग धर्म में ही आनंद लेते हो और धर्म के पुत्र हो, इसके जीवति न अहर्थम क्लिष्टम, ऐसा कष्ट पाकर के तुम लोग कभी जीवित नहीं रह सकते, या कोई जीवित नहीं रह सकता ऐसा कष्ट पाकर के, लेकिन तुम लोग जीवित हो, जीवित हो, तुम लोग जीवित हो, इसका कारण है विप्र धर्म अच्युत आश्रय। तो इससे एक श्लोक में विप्र धर्म अच्युत आश्रय बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह केवल यशस्वी महाराज के लिए नहीं है, हम सब लोगों के लिए। जो लोग भी वैष्णव के आश्रय में रहेंगे, जो लोग धर्म के आश्रय में रहेंगे और जो अच्युत कृष्ण के आश्रय में रहेंगे, ये लोग कितना भी कठिनाई क्यों ना आए तो कठिनाई से लोग परे हो सकते हैं। वो कठिनाइयां उन लोगों को कष्ट आएगा लेकिन दुख नहीं, उसे परे हो सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि विप्र धर्म अच्युत आश्रय का अर्थ क्या है? विप्र आश्रय यानी जन्म ना आ जाए तो शूद्र संस्कार जब हो, वेद पढ़े भवित विप्रा, विप्र उसे कहते हैं जिसको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान। तो यह प्रमाणित करता है कि हम लोगों को प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना चाहिए और इसको वितरण करना चाहिए। यदि हम प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ेंगे और वितरित करेंगे तब हम लोग विप्र आश्रयी हैं, तो हम विप्र के आश्रय में हैं। या सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त में विप्र कह दिए, लेकिन वैष्णव आश्रय या संत आश्रय वास्तविक अर्थ है। महाराज ऋषि हमेशा वैष्णव के आश्रय में रहा करते थे, उनका घर जो था वो तीर्थ स्थल ही था, हमेशा कोई ना कोई वैष्णव आया करता था। शास्त्र में सातवें स्कंद में ऋषि महाराज नारद मुनि का संवाद मिलता है, तो वैष्णव उसी के घर में आएंगे जो वैष्णव ये आज इसको वैष्णव बनाना चाहते। वैष्णव यदि घर पर आए समझना चाहिए कि भगवान की कृपा, भगवान आए हैं वैष्णव के रूप में। कहते हैं जे दिन हाँ गुरु को भाए, तो वैष्णव आए भजन होगा, भजन होगा तो गुरु के समान है। तो वैष्णव आश्रय का मतलब होता है वैष्णव का आज्ञा पालन करना, ये वैष्णव आश्रय का अर्थ। ये नहीं कि साथ में सोना, एक साथ में खाना, हंसी मजाक करना, तृप्ति करना, ये भी ठीक है वैष्णव आश्रय,
लेकिन वैष्णव आश्रय का असली अर्थ है कि वाणी सेवा करना, गुरु और वैष्णव का के आदेश को पालन करना, ये असली वैष्णव आश्रय है। गुरु मुख पद्म वाक्य छिटे कर, तो यह असली वैष्णव आश्रय है। और धर्म आश्रय, धर्म का अर्थ होता है धर्म, धातु से धर्म बना है, धारयति इति धर्म, जिसे धारण किया जा सके, जो कभी परिवर्तित न हो उसे धर्म कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे नमक है, यदि नमक में नमकापन न हो, उसमें मिठापन हो, तो नमक नहीं सकता है। नमक का धर्म है नमकापन। नमक अपने धर्म को कभी छोड़ता नहीं है, चीनी अपने धर्म को कभी छोड़ता नहीं है, पानी अपने धर्म को कभी छोड़ता नहीं है। पानी का धर्म है तरलता और सुतलता, पानी जहां भी रहेगा ये धर्म। मान लो यानी बर्फ बन गया है, तो बर्फ बन गया लेकिन है तो शीतल, ठंडा तो लग रहा है, तरलता और सुतलता पानी का स्वरूप है, वो पानी कभी छोड़ता नहीं है। ठीक वैसे ही धर्म आश्रय हम लोगों का धर्म है कि जीव रे स्वरूप भय कृष्ण नित्य दास, ये हमारा धर्म है। कृष्ण का सेवा करना हमारा धर्म है, तो इसका आश्रय लेना, कृष्ण का सेवा करो, एक सेकेंड भी मैं आइडल न बैठू, कीर्तनीय सदा भाई, या तो फिजिकल सेवा करो, मेंटल सेवा, मानसिक सेवा, शारीरिक सेवा, वाचिक सेवा, किसी प्रकार से सेवा करो, लेकिन सेवा कायिक सेवा शरीर के द्वारा, मानसिक सेवा भगवान की सेवा के संबंध में सोचते रहना, और वाचिक सेवा या तो भगवान का नाम का गुणानुवाद करना, प्रवचन करना इत्यादि, और नहीं तो भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। यह है धर्म आश्रय। धर्म में आश्रित है जो वैष्णव धर्म में आश्रित है, और यहां पर धर्म आश्रय का मतलब सनातन धर्म का बात है, आत्मा से संबंधित बात है। जो वास्तव में सनातन धर्मी है, जो आत्मा के धर्म को जानता है, जिसे नित्य धर्म कहा जाता है देव धर्म के अनुसार, वह व्यक्ति अन्य सभी धर्मों को अच्छी तरह से जानता है। जो व्यक्ति कृष्ण से अपने संबंध को अच्छी तरह से जानता है, वही व्यक्ति संसार में पति पत्नी के संबंध को, बच्चे के संबंध को, समाज के संबंध को, जो भी धर्म है, इस धर्म को जान सकता है। जो कृष्ण के धर्म को नहीं जानता है, कृष्ण के संबंध को नहीं जानता है, वह इस संसार के संबंध को क्या जान सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि बिगिनिंग ही गलती है तो उत्तर जड़ होता है। तो विप्र धर्म और अच्युताश्रय, अच्युताश्रय मतलब अवश्य राखिए कृष्ण विश्वास पालन, इस विश्वास का पालन करते हुए कृष्ण जरूर हमारा रक्षा करेंगे, और नित्य निरंतर कृष्ण के सेवा में लगे रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आफ्टर ऑल भौतिक संसार जो है वो दुखालय के शासक है। भौतिक संसार से सुख का परिकल्पना करना मात्र मूर्खता है, क्योंकि भौतिक संसार हम लोगों को सुख कभी दे नहीं सकता है, माया हम लोगों को सुख नहीं देगी, बल्कि माया हमें विभिन्न रूपों में दुख देने का प्रयास करे, एक नहीं अनेक रूप। लेकिन जो अच्युत आश्रय है, जो भगवान के शरण में है, उनका भगवान जरूर रक्षा कर, अवश्य राखी है कृष्ण जरूर रक्षा करे। उनका नाम है अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते हैं अपने दिए गए वचन से, वे अच्युत हैं, वे रक्षा करेंगे। तो एक तरफ से पितामह भीष्म हैं, मानो कह रहे हैं तुम क्या ज्यादा चिंता कर रहे हो, तुम बहुत गलती कर दिया, अरे तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, यह सोचने पर दिमाग फटने लगता है।
भगवान को बहुत अन्याय हुआ है। अब उनको तो कह दिए, अब मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहीं पर उनके पीछे महाराज दूसरे के पीछे माता कुंती खड़ी थी। तो यहां पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, संस्थिते अतिरथे पांडव पृथाबाल प्रजापतु। हम लोगों पर दुख तकलीफ होता है, हम लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन बाप मां पर दुख तकलीफ सहन नहीं कर सकते। यदि कभी कभी होता है, झगड़ा हो जाता है कि हमारे मां को गाली दिया, हमारे बाप को गाली दिया, अरे हमको गाली दिया और सहन होता है, बाप माप गाली दिया क्या पड़ देता है, लोग अपने पर जो होता है सहन नहीं, बाप माप नहीं सहन। और युधिष्ठिर को बिल्कुल 100% ठीक करने के लिए वह बात पितामह भीष्म कह रहे हैं, जिस बात को सुनने के बाद अब युधिष्ठिर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा या कोई डिप्रेशन नहीं रह जाएगा। माइंड जो है जो पहले डिप्रेस था, वो बाहर सोच रहा कि मेरे चलते हुआ, अरे अपने बाप माँ को क्या हुआ। संस्थिते, संस्थिते पांडु के यहां के लिए कहा गया संस्थिते, यानी भगवत धाम जाने के बाद, वैकुंठ धाम जाने के बाद, यद गतवान वर्तन्ते तद धाम परमम संस्थिते, जहां जाने के बाद पुनः न आना पड़े, वह तरीका आता है संस्थिते। मृत्यु जब हो गया तो गया, अब आने कोई चांस नहीं है। कोई बीमार हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो आने का चांस होता है, उसमें आ जाएगा, थोड़ा पानी छिड़को, थोड़ा उसमें आ जाएगा, ऐसा हमारा स्टैंडर्ड ही चल रहा है। लेकिन इसका मृत्यु हो गया तो कदम संस्थिते, अब वो गया काम से, या दूसरा कि वो वहां चला गया यहां से, कभी लौट कर नहीं रहा है। तो आचार्य जी कहते हैं भगवत धाम है और समान रूप से मृत्यु, संस्थिते अतिरथे। एक होते हैं अतिरथी, अतिरथी और महारथी। तो रथी मतलब एक रथ पर दूसरे रथ पर लड़ाई करे, और अतिरथी मतलब कई एक रथ वाला अकेला लड़ाई कर सकता है, और महारथी वह कहलाता है जो रथ पर हो, घोड़ा पर हो, हाथी पर हो, पैदल हो, सबके साथ में लड़ाई कर सकता है, वह महारथी का। तो हालांकि महाराज पांडु भी महारथी थे, सम्राट थे, लेकिन यहां पर पितामह भीष्म उनको अतिरथी कहे। तो कहते संस्थिति अतिरथी पांडव, पांडव पांडव के जाने के बाद पृथा बाल प्रजापति, और कुंती को देख करके सही में युधिष्ठिर को सोच करके रहे, कुंती को देख करके पितामह भीष्म के आंखों में सुधारा कर रहे हैं। तो कहते हैं संस्थिति अतिरथे पांडव पृथा, यहां पर कुंती शब्द नहीं कहा गया है, पृथा कहा गया, क्योंकि पृथा का संबंध जो है कृष्ण से है। तो कृष्ण की बुआ होने के बावजूद भी इस पर क्या क्या विपत्ति हुआ, जो कृष्ण का सगे संबंधी है उन पर कितना विपत्ति पड़ सकता है, तो हम किस गल के होते हैं। हम लोगों पर कोई तकलीफ हो रहा था, अरे कृष्ण हमारे लिए क्या किया, कृष्ण हमारे लिए करेंगे क्या, बोलेंगे कृष्ण के लिए दो बार सोलह हमारा जब पड़े तो कृष्ण हमारे सब कुछ करेंगे। जो कृष्ण के लिए सब कुछ ने उछावर किया है उन पांडवों पर ऐसे होते हैं, इन्हें सीखना चाहिए। जब हमों पर विपत्ति आती है तुरंत कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, तुरंत कृष्ण में दोषारोपण लगाते हैं, ये कृष्ण क्यों हमें हमने किया क्या है, उनके हमारा क्या संबंध है उनसे, हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा संबंध उनसे क्या है, न जान न पहचान न तेरा मेहमान होने का कौन है। तुरंत कृष्ण पर दोषारोपण कर, लेकिन जिनका संबंध कृष्ण से होता है वो एक बार भी कंप्लेन नहीं करते, जो होता है भगवान कृपा समझते हैं, भगवान हमारे विरुद्ध हैं
सूर्य व्यक्ति क्यों किसी को दुख देगा? भगवान सूर्यम सर्वभूताना, मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूं, जो सुहृद होगा वो दुख देना चाहेगा? दुख तो वो है दुश्मन होगा, तो कृष्ण हमारा दुश्मन है, हम डायरेक्टली कहते हैं कृष्ण को दुख दे रहे हैं, यानी कृष्ण हमारे दुश्मन हो गए? कृष्ण हमारे सुहृद है, भगवान की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, और मनु को भगवान जानते थे मरने वाला है, उनका भांजा था, संबंध था, लेकिन भगवान रक्षा नहीं किए, क्योंकि संसार में सब लोगों को कर्म फल के अनुसार ही सुख दुख भोगना पड़ता है। हाँ, भगवान इतना कर सकते हैं सुख दुख में थोड़ा अनुशेषण कर सकते हैं, जो उसका भक्त हो गया है उस पर थोड़ा अनुशेषण कर सकते हैं। कभी ऐसा देखा जाता है कि भगवान अपने भक्तों को खूब दुख देते हैं, और जो नए नवसिखुआ लोग होते हैं नए होते हैं तो अनुशेषण करते हैं भगवान, ताकि भक्ति छोड़ने न पाए। पांडव पृथा बाल प्रजा वधु सोच रहे हैं कि यह मेरी पुत्र वधु पृथा बाल प्रजा बचपन में ही यह विधवा हो गई थी। कोई स्त्री बचपन में विधवा हो जाए, तुरंत नया बच्चे जन्म लिए हो और 18 साल की होगी, उससे भी कम बल्कि 12 साल घर में रहता है, 14 साल के होगी, पूरा जीवन 80 साल से ऊपर का जीवन था, वो पहाड़ के समान जीवन होगा। उन स्त्रियों से पूछना चाहिए जिनका पति का देहांत हो गया, तुरंत विवाह हुआ और एक आध बच्चे हुए उनका देहांत हो गया, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, क्या वो सोचती होंगी, क्योंकि पति ही उसका रक्षक होता है। जिस स्त्री का पति नहीं होता है वह स्त्री हमेशा इनसिक्योर फील करती है, समाज से इनसिक्योर, परिस्थितियों से इनसिक्योर, और सब प्रकार से पति एक रक्षक होता है, चाहे कुछ करे या ना करे बस रहे इतना भी, और नहीं तो बदमाश लोगों के कुदृष्टि से इनसिक्योरिटी बनी रहती है। जो विधवा स्त्रियां हो जाती हैं और नौजवान लड़की हो तो ये दुष्ट लोग जो होते हैं, जो लंपट लोग होते हैं, वे लोग वैसे स्त्रियों पर खूब दृष्टि रखते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन पति होगा तो उनके मन में ऐसा विचार ही नहीं आएगा। तो ये सब बातें याद कर रहे हैं कि दुखा बाल बजा रहे, तुम अपने दुख का कह रहे हो, अरे कुंती के विषय में कभी सोचा, अपने माँ के विषय में कभी सोचा, जो बचपन में ही विधवा हो गई थी और उसके साथ साथ आजकल तो विधवा होने के बाद एक शादी नहीं, दो शादी नहीं, तीन चार मरते 15 शादी करते हैं, कितने विधवा हो जाए। पहले ऐसा बात नहीं, पहले एक बार पति का देहांत होने तो जीवन भर वो विधवा, जीवन पर्यंत। यदि अकेला जीवन भरण पोषण करना होगा तो किसी प्रकार से भरण पोषण कर भी सकते हैं, भी मांग करके कैसे भी कैसे भी, लेकिन साथ में 5 बच्चे हो, इन लोगों के साथ में जीवन भरण पोषण अपना ही नहीं उन लोगों का भी जीवन भरण पोषण करना है, तो कितना कष्ट हुआ होगा। युधिष्ठिर तूने कभी सोचा अपने मां के विषय में? कहते जुष्मक युते बहुम क्लेशान, तुम लोगों के चलते कुंडी को बहुत क्लेश सहना पड़ा, तो अपने क्लेश का सोच रहा है तो स्वार्थी का होगा कि दृष्टि इनडायरेक्टली कह रहे हैं, अरे अपने मां के विषय में सोचा, जिसको परफली का दुख था ही पांडव के नहीं रहने से, तुम लोगों के भरण पोषण का और तुम लोगों के द्वारा दिए गए क्लेश के चलते, और आज भी जो क्लेश सह रही है प्राप्त तोकवती मुहूर्त, तोकवती मतलब तोक मतलब प्रवाह, तोकवती मतलब विभीषणवती लगाया गया है, तो प्रवाहित मुहु मतलब अहर्निश,
दुख का प्रवाह कभी बंद नहीं हुआ है तुम लोगों के चलते। आज जो उन लोगों को जो कुंती के पास आज जो दुख है, बचपन में जो दुख था वो तो दुख था, क्या कुंती को दुख नहीं हुआ था जब वो सुनी थी नहीं है अभी को भी दे दिया गया है, या जब कभी कुंती सुनती थी छोटे बच्चे थे आकर कह देते थे कि मामा दुर्योधन ऐसा कह रहा था कि तो अपने पिता के बेटे नहीं हो, तो क्या भीम नहीं कहते थे कुंती से? छोटे बच्चे कुछ भी सुनेगा अगर कह देंगे, कहते थे। मेंटल तो फिजिकल तो ये तो बचपन का दुख हुआ, जो बड़ा हुआ द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था क्या कुंती को दुख नहीं हुआ था? पांडव वनवास गए थे क्या कुंती को दुख नहीं हुआ था? 4 साल वनवास के बाद आए भी उनका अधिकार था राज प्राप्त करने के लिए, राज नहीं मिला तो दुख नहीं हुआ होगा, भले वो प्रकट नव की होगी। महाभारत युद्ध हो गया, कर्ण मारा गया, क्या कम दुख था? कर्ण के विषय में 3 लोग जानते थे, भगवान कृष्ण, पितामह भीष्म और कुंती, ये 3 ही लोग जानते थे कि कर्ण कुंती का पुत्र है, पितामह भीष्म और कृष्ण कुंती के अलावा 3 हुआ था। कर्ण मारा गया ये दुख नहीं था? तो कई प्रकार से कहते हैं कि वधु, यहां वधु शब्द आत्मीयता को समझ करते हैं, मेरी पुत्र वधु, प्रपौत्र वधु, प्रथा को जो दुख हुआ उन शब्द में तुम लोग कर्मों के चलते वो दुख प्राप्त किया, अपना दुख प्राप्त की अपने कर्म कर था, लेकिन तुम लोग कर्मों के अनुसार दुख प्राप्त किया। अब ज्यादा इसका वर्णन न कर सकते, अब कह रहे हैं यह सामान्य लोग कहते हैं क्या करेंगे भाई, सब लोगों का गति यही है। लोग प्राय लोग कहते हैं कर्म से सब लोग फल अपना कर्म का फल भोगते हैं, सबको दुख मिलता है कर्म के अनुसार। यहां पर एक बहुत सूक्ष्म सिद्धांत का प्रवर्तन कर रहे हैं पिता विष्णु, कहते हैं सर्वकालंकृतं मन्ये भवतां च यद् अप्रियं सपालो यद् वशेत् लोको बालो इव घनावली। कर्म से कर्म फल से सुख और दुख मिलता है, लेकिन कर्म फल जड़ पदार्थ है, एक कर्म फल जड़ पदार्थ है, इसको या तो मुख करने के लिए कुछ चाहिए, जब तक कर्म फल मुख नहीं होगा तो सुख और दुख नहीं मिलेगा। तो कर्म फल को मुख करने वाला जो है वह है काल, काल है जो प्रवाह लाता है कर्म फल में, काल है जो कि हम लोगों के जीवन प्रवाह लाता है। कहते हैं 20 साल के होते हैं, शरीर तो जड़ पदार्थ है ना, लेकिन वो 20 साल जो था वो प्रवाह लाया है जिसके चलते शरीर में परिवर्तन हुआ है। तो काल जो है वो चलायमान होता है किसी वक्त, कभी कर्म जो लोग करते हैं सर्वकालंकृतं मन्ये भवतां च यद् अप्रियं, जो भी प्रिय या अप्रिय संसार में होता है कहते हैं कि कृतम मन में मैं मानता हूं कि काल के द्वारा प्रवाहित होने से इस सब सुख और दुख संसार में व्यक्ति को प्राप्त होता है। कहते हैं सपाल यद वशे लोक, ये जो संसार है इस संसार का संरक्षण करने के लिए तो संचालित करने के लिए लोकपाल हुआ है, और ये लोकपाल लोग संचालित करते हैं, जैसे मंदिर है मंदिर के संचालित करने के लिए मैनेजमेंट है, उसी प्रकार से ये संसार को संचालित करने के लिए एक मैनेजमेंट है जिसे लोकपाल कहा जाता है। लोकपाल का लोकपाल, लोक मतलब लोक, हम लोग और पाल मतलब पालन कर रहे, हम लोगों के पालन करने वाले जो है वे लोकपाल,
और लोकपाल लोग ही समय को भेजते हैं, कर्म हम किए हैं और किस कर्म का कब फल मिलना चाहिए वो डिसाइड करने वाला कौन होता है, लोकपाल, और वे समय को बटन दबाते हैं, समय आता है तो वो काम होता है। तो इंजीनियर जो है लोकपाल लोग हैं। उदाहरण दिया गया है वायु धनावली, जो आकाश में बादल होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, हल्के होते हैं लेकिन हैं भारी, वर्षा के मूसलाधार वर्षा होता है कितना भार लगता है, सिर पर चोट लगता है। आज ही हम लोग जब निकले अभिषेक के घर से तो कुछ बूंदाबांदी लग रहा था, बूंदाबांदी बड़ा स्ट्रॉन्ग बूंदाबांदी था, लग रहा है। अब ये बादल के रूप में था, कोई तकलीफ नहीं, धुआं के समान था, प्लेन में चला जाएगा। लेकिन जब कितना सुंदर है वायु और युवा घनावली, यानी जो बादल है वो हमारे कर्म फल के समान है, कर्म फल है, संचित है, बादल है, बूम प्लेन में चला जाएगा, हम देखते बढ़ते रहे बादल देते नहीं बढ़ता है। लेकिन जब उसमें संचालन होता है वायु का और जब वो बादल के तो चलने लगता है, जब खड़ा रहता प्लेन जा सकता है, जब चलने लगता है बादल तो प्लेन टकराते हैं और प्लेन पर जीवन लगता है, कहते हैं फास्टर योर सीट बेल्ट, क्योंकि प्लेन पर चलने लगता है। और यदि वही वायु और चलायमान कर दे उसको, स्पिनिंग करे और ये वर्षा के रूप में प्रणित होता है तो मौसम खराब हो गया, प्लेन टेकअप नहीं करता है। तो जब सूक्ष्म रूप में है तो ठीक है, तो वैसे ही कर्म फल सूक्ष्म रूप में है ठीक है, लेकिन लोकपालों के द्वारा आदेशित जब काल से चलायमान करता है तब वह दुख या सुख देता है। ऐसे नहीं, बहुत सुंदर उदाहरण है वायु युवा घनावली, घनावली बहुत सूक्ष्म है, भारी नहीं बल्कि रूली के समान, मक्खन के समान बिल्कुल, लेकिन जब उसमें वायु प्रवेश करता है तो उसमें वेग उत्पन्न होता है और इतना वेग उत्पन्न होता है कि एक बादल से बादल टकराता है, देखते हैं कितना गड़गड़ाहट की आवाज आता है और बिजली चमकती है, आप समझ सकते हैं कि उसके टकराव में क्या जोश होगा या कितना बल लगा होगा टकराव से, कहां टकराया है, कहां आवाज आता है, गड़गड़ाता है। ठीक वैसे ही जब कान टकराता है हमारे कर्म से तो बहुत आवाज आता है, अलग अलग कर्म के अनुसार आवाज आने लगता है, दुख आने लगता है। तो यहां पर काल को ही कह रहे हैं, काल ही है जिसके चलते होता है, नहीं तो यत्र धर्मस्थो राजा गदा पाणी विभोदर कृष्ण अस्त्री गांडीवम चापहम सुहित कृष्ण तथो विवा, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम लोगों आ सके, तुम लोग समान थोड़े हो, यत्र भरम सतो राजा, हे युधिष्ठिर तुम सच्चा धर्मराज हो, धर्म के मर्मज्ञ हो, धर्म के विषय में सब कुछ जानने वाले हो, यही युधिष्ठिर महाराज पांडवों का जान बचाए। यह कुंड है ब्रज में जहां पर कामवन में रहते थे पांडव उस समय, और जब यक्ष प्रश्नावली जब हुई थी तो चारों भाई मर गए थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज धर्म के
सिद्धांत को, पुण्य सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते थे, और इसीलिए ऐसे अपने प्रतापी भाइयों को जीवन प्रदान करा पाए। वो भी जब यक्ष ने पूछा तुम मेरे भाई भाइयों में से एक भाई का मैं जानता हूं, बताओ किसका जानता है, तो ऋषि महाराज ने कहा नकुल का जानना चाहिए, सबसे छोटा था, और इसे यक्ष इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि सबका बच दिया, सबको जीवित कर दिया। तो इसे कहते हैं यत्र धर्म सुतो राजा, धर्म सुतो का दो अर्थ होता है, धर्म जिनका संतान हो या जो धर्म के संतान हो, तो धर्म सुतो राजा। ऋषि महाराज राजा बन चुके थे, दुर्योधन मारे गए थे, हस्तिनापुर के राजा थे, कहते यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी विगोदर भीम कर्मा विगोदर। भीम का दो क्वालिफिकेशन था, भीम कर्मा मतलब महान महान काम करने वाले, और विगोदर मतलब महान रूप से खाने वाले, खाने में भी एक्सपर्ट थे और काम करने में एक्सपर्ट थे। तो पांडव लोग मुझे ये उदाहरण बड़ा अच्छा लगता था, बदमाशी कभी करना होता था या फिर जब ब्रह्मचारी रहता था, खूब टेम्पल कमाना था, खूब काम करता था, खूब काम करता था, और जो बात नहीं इतना एक झाड़ दे देता था। जब श्रीधर स्वामी के पास ज्यादा था कंप्लेन, तो श्रीधर स्वामी यही कहते थे कि भीमसेन खाते पीते काम भी करते थे, काम करते थे इसलिए पांडव लोग देते थे अपना काम, हमारा रक्षा करते थे। देवकीनंदन काम भी खूब करता है, झपड़ मारता है कोई बात नहीं, चलता है काम भी करता है। तो भीम कर्मा विगोदर केवल खाते ही नहीं, तो कभी कभी देखते हैं भक्तों में ऐसी दुर्भावना आया है, अरे वो हमसे ज्यादा ले रहा है, हमसे वो ज्यादा खा रहा है, हमसे ज्यादा, अरे वो क्या कर रहा है कभी देखते, कभी युधिष्ठिर या नकुल सहदेव नहीं बोले कि भीम तो केवल खाता रहता है, हम ज्यादा खाता है, हम इतना चार भाई खाते हैं मेरा ही खा देता है, उतना ही नहीं बल्कि वे लोग अपना भी भोजन करते थे भीम को, जो होता था 50% भीम को देते थे, क्योंकि भीम काम भी करते थे, भीम कर्मा भी को। तो ऐसे भीम जिनके साथ में गदा पाए, गदा चलाने में भीम के समान शक्तिशाली कोई नहीं था, और राम जी के डायरेक्ट थे भीम और दुर्योधन, और इन दोनों में भी भीम सशक्त थे, जरासन तीसरे थे जो मजबूरी गदा के लिए माने जाते थे, लेकिन भीम में श्रेष्ठ थे। गदा पाणी विगोदर, जहां पर महाराज दृष्टि हो जहां भीम हो, कृष्ण अस्त्री गांधी हो, अर्जुन के कई नाम हैं, 12 नाम हैं, उसमें से एक नाम है कृष्ण, वो भी श्याम बने थे कृष्ण के समान थे, उनको कृष्ण करा गया है। तो कृष्ण अस्त्री गांधी हो, जिनका अस्त्र गांधी वो है वो जैसा अर्जुन, और च अभी इन सब के बावजूद सुहृत कृष्ण, जो कृष्ण के सुहृत हैं, जो कृष्ण के दिल से बिल्कुल निकट हैं, ततो विपता, इसके बावजूद भी इन लोगों पर ऐसी विपत्ति आए, तुम लोगों पर ऐसी विपत्ति आए। नहीं यस्य कर्चित राजन् पुमानमेव विस्थितम् यद्विद्यतः मुह्यन्तो कवयो विहीनः। तो कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर आप इसके लिए शोक मानो करे मन मत करो कि भगवान के प्राण को कोई नहीं जानता है, न ही अस्य कर्चित राजन्, न मतलब नहीं ही मतलब निश्चय, कदाचित मतलब कोई भी राजन मतलब हे महाराज युधिष्ठिर, पुमान कोई पुरुष, वेद विधि विस्तृतम
विधि के विधान को कोई नहीं जानता, कैसे विधि का विधान चलता है। यज्ञ जिज्ञासा हजुक्ता, इस जिज्ञासा को लेकर के मुह्यंति कौलोक, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े मुनि लोग भी मोहित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिंता का यह विषय बनता है, कैसे भगवान विधि का विधान कैसे चलता है, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं। समझने की बात है, पितामह भीष्म कह रहे हैं वही बात कि विधि का ही विधान का और क्या है, कि तुम जैसे लोग यहां धर्मनंदन युधिष्ठिर है, इतना बलवान शक्तिशाली भीम है, अर्जुन जिसका गांडीव अस्त्र है, और इन सब के बावजूद चौपी सुहृत कृष्ण, इन सब के बावजूद भी तुम कृष्ण के इतने सुहृत हो, फिर विधि का विपत्ति, ऐसा कैसे भगवान विधि की विधान कौन समझ सकता है, ऐसे लोग विपत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी छोटा बच्चा मर जाता है तो लोग रोते हैं, विधि का विधान क्या है, पाप मांगे नाम नहीं पूछा, इस प्रकार से विधि विधान को सामान्य लोग न समझना तो समझ सकते हैं, लेकिन कहते हैं कवयोपि, बड़े बड़े लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े लोग तस्मादिदं दैवतंत्रम् विवश्यस्य भरतर्षभ तस्यानुबहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अब इतना समझाने के बाद अब अंतिम कंक्लूजन कह रहे हैं, और इसके बाद इस श्लोक में बहुत कुछ छिपा हुआ है। कहते हैं तस्मात् इदं दैवतंत्र, देखो सिर्फ अब इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, कौन मारा कौन जिया, अंग्रेजी में कहते हैं लेट द पास्ट बी बरीड, जो पहले हो गया उसको भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का तरीका यही है कि पीछे का पैर उठाना ही पड़ेगा, पीछे का पैर उठाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, आगे का पैर कितना ही आगे रखो, इतना अगर तुम्हारा पैर फट जाए तो पीछे का पैर नहीं उठाओगे आगे नहीं बढ़ सकते, तो पीछे की चीजों को भूल जाना चाहिए। जब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने का तरीका यही है कि पीछे की चीज को भूल जाओ, लेट द पास्ट को कहे। तस्मात् इदं दैवतंत्र, भगवान का कृपा समझ करके तुम भूल जाओ, अब आगे क्या करना है, कहते हैं व्यवस्थ्य भरत और सभा, हे भरत और सब, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ। यहां पर कह रहे हैं कि देखो कैसा ऐसा कोई भरत वंशी नहीं हुआ है जो तुम्हारे समान कायर हुआ, भगवान अर्जुन को डायरेक्ट कर दिए क्लेश्य मां समापात, तुम हिंजड़े हो अर्जुन, तुम कायर हो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बड़े सौम्य थे, और एक डिफरेंस भी था वहां अर्जुन और कृष्ण में अंतर था, वो अर्जुन शिष्यता को स्वीकार कर लिए थे तो गुरु का स्ट्राइक कर रहा, लेकिन यहाँ पर बड़े सौम्य रूप से, जब बच्चा बड़ा हो जाता है समझदार होता है तो सौम्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। तो कहते हैं भरत और स्वभाव भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ, कोई भी आज तक ऐसा भरतवंशी नहीं हुआ है जो कि पहले जो हो गया उसके लिए लेमेंट किया हो, बल्कि वो आगे देखता है, यही भरतवंश का परिपाटी है। युधिष्ठिर तुम्हें भी कुल का जो धर्म है उसे पालन करना पड़ेगा, तुम भरत और स्वभाव भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो। तस्या अनुभवितो अनाथ ना पाही प्रजा प्रभो, तुम सर्वसमर्थ हो, आज तुम्हारी जो प्रजा है उसे कोई राजा नहीं, अनाथ अनाथ तुम अनाथों के नाथ, जब तुम इस प्रकार से व्यवहार करोगे तुम्हारी परिस्थिति ऐसी रहेगी बनी रहेगी तो फिर अन्य प्रजा का क्या होगा।
जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, दुखी होता है, तो ऑफिस नहीं जाता है, काम नहीं करता है, वो जाएगा उधर क्या जाएगा, डिप्रेशन बड़ा था, मैं देखा हूं बड़ा राजनीति से डिप्रेशन क्या होता है, कि व्यक्ति कैसे एक सेकंड में मन के ऊपर चलता रहता है, बुद्धि काम नहीं करता है, बुद्धि और मन का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हो नहीं पाता है। यहां पर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि अनाथ नाथ पाही प्रजा, तुम रक्षा करो, पाही प्रजा, प्रजा का तुम रक्षा करो, क्योंकि रक्षा आज हाथ है। तो यहां पर दो शब्द कह करते हैं निश्चित कि जो भी बचा था, जो भी कुछ बचा खुचा था युधिष्ठिर का संशय, उसको दूर कर दिए दो शब्द से। एक तो भरत और सभ शब्द से कि तुम भरत वंशियों में शेष हो, ऋषभ हो, अरिष्यते भव इति ऋषभ, जो प्रकाशित करता भरत वंश के नाम को उज्ज्वल करे वो भरत और शब्द है। और दूसरा अनाथ नाथ पाही हो, तुम सामर्थ हो, किसमें सामर्थ हो, पाही अनाथ, जो अनाथ प्रजा है उनका रक्षा कर, इसलिए उनको नाथ नाथ ये सब। तो इतना आपको समझा, देखिए पहले तो डायरेक्टली समझाए, फिर माता का और पूरा अपने उनकी माता का और पिता का संबंध देकर के, और अपने कुल का संबंध देकर के समझाए भरतवंशियों का। और अब लास्ट में कह रहे हैं, देखिए पहले पांडवों को युधिष्ठिर समझाए, युधिष्ठिर को एड्रेस किए, बाद में कुंती को और बगल में कृष्ण के, अब कृष्ण की तरफ देकर कहते हैं, लेकिन सब समझा रहे हैं युधिष्ठिर को, ये बात भले युधिष्ठिर से है लेकिन अलग अलग उदाहरण देकर के और कृष्ण के विषय में। वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण कुमार मोहयन माया लोकम गुडाचरती विष्णु, ये तुम्हारे बगल में खड़े हैं ना, ये सब वही भगवान साक्षात्, वही मतलब निश्चय और साक्षात कक्षा, ये सब ये तुम्हारे बगल में खड़े हैं, वही भगवान साक्षात, ये भगवान नारायण है, साक्षात नारायण है, जो एक समान पुरुष के समान हम लोगों के बीच में रेंग रहे हैं, घूम रहे हैं। अतः मोहय माया पूरे संसार को अपने माया के द्वारा मोहित किए हैं और लग रहा है कि हम लोगों के समान ही एक समान है, और तुम भी उनको अपना ममेरा भाई मानते हो, मामा का बेटा मानते हो। गुढ़स्थ विष्णु विष्णु मंश के बीच में छिप करके विचरण कर रहे हैं, अकल्पनीय तरह से विचरण कर रहे हैं, तुम सोच नहीं सकते हो कि कौन है। तो भगवान के विषय में ये दो श्लोकों में कहते हैं, यस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवं देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो मुने नृप, अस्या अनुभावं भगवान, अनुभाव इन कृष्ण का जिनका मैंने वर्णन किया, साक्षात् ये नारायण है और समान मनुष्य के समान विष्णु वंश में हम लोगों के बीच में पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, हमको सामान्य मान रहे हैं। यस्य अनुभव, और अपने मुंह से कृष्ण का गुणगान नहीं करना चाहते, ये बड़ा अच्छा तरीका है। और अर्जुन भी जब कृष्ण का दूसरे अध्याय में गीता के कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं भजं विभो, इस एक श्लोक में भगवान के 10 गुणों का वर्णन करते, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं
आदि देवों अजम देव, दस गुणों का वर्णन किए हैं। और दस गुणों का वर्णन करने के बाद कहते हैं मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग समझेंगे कि कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, इनके गुणगान कर रहे हैं, मित्र कैसा गुणगान कर रहे हैं। आहूतम विषय सर्वे देवर्षि नारद अशिलो अस्तो देवलो व्यास, ये सब लोग मानते हैं, मैं क्या नहीं मानता। तो वह वैसा ही मान्य करते हैं यश्यानुभाव भगवान, अब तक से भगवान का गुणानुभाव भी कर दिए कि कौन है, ये साक्षात नारायण है। और सब लोग कैसे मोहित किए हुए कि हम लोगों के पीछे, हम लोगों के समान विष्णुवंशी के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, तो हम तुम समझता है कि हमारे मेरे भाई हैं इत्यादि, ऐसा बात नहीं है। यस्या अनुभावम भगवान वेद को यतम सुगम, इनका गोपनीय जो ज्ञान है इनके विषय में, इनके महिमा के विषय में वे सब लोग नहीं जान पाते हैं। गुह्यतम बहुत गुह्य है इनका महिमा, और कौन जानता है, शिव भगवान शिव, देवर्षि नारद, देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलोर्व हे महाराज, और भगवान कपिल देव। तो भगवान शिव, नारद जी और कपिल जैसे लोग इनके महिमा को जानते हैं, ये समान व्यक्ति नहीं है। अब लाते हैं यद मन्य से मातुलेय प्रिय मित्र प्रियतमा, जिनको तुम मातुलेय मानते हो, मेरा भाई मानते हो, मेरे मामा का बेटा है, यम मन्य से मातुलेय प्रिय मित्र सुहृत्तम, मित्र सुहृत्तम जिनको तुम अपना प्रिय मित्र मानते हो और बड़ा सुहृद मानते हो, मातुलेय प्रिय मित्र तुम जिनको अपना बहुत प्रिय मानते हो, सुहृद मानते हो, मित्र मानते हो, जिसको अपना मेरा भाई मानते हो, प्रिय मानते हो, प्रिय है किसके लिए, अर्जुन के लिए, अर्जुन जी के लिए, जो तुम्हारा मेरा भाई है जिसको तुम प्रिय मानते हो, मित्र यानी अर्जुन मानता है, सुहृद तमाम और वे सर नकुल सदी क्या दिखाते हैं उसको, अकरो सचिव अकरो, यह वैसा काम किया है या करते हैं जो अकरणीय, क्या क्या काम है, सचिव भगवान किसी का सचिव बनेंगे, अरे भगवान हमारे हैं सचिव बनाए गए, पोस्ट मास्टर बना भगवान तो भगवान बने हैं पोस्ट मास्टर, तुम अपना से मामा का बेटा इनको मानते रहे, तुम्हारा सचिव बन गए, दूत सचिव मतलब नोट टेकर ना, सेक्रेटरी ना, तो तुम लोगों का सेक्रेटरी बनकर दूत दूत बनकर गए, सन्निधि बनकर गए, सौहार्द अपकारी सबके दिल में विद्यमान है परमात्मा के रूप में, सर्वात्मना समदृशो और सब पर समान दृष्टि रखने वाले हैं। परमात्मा का बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के आनंद भोगने में, यदि परमात्मा न रहे तो हम लोग आनंद नहीं भोग सकते,
जीवात्मा का कोई अस्तित्व तो नहीं है जब तक के भगवान न हो। इसलिए श्रीपादी गोस्वामी हरिनाम व्याकरण में वर्णन करते हैं कि जीवात्मा कैसा है और परमात्मा कैसे है। वो व्याकरण में बताए हैं कि दो प्रकार के अक्षर होते हैं, एक स्वर अक्षर और एक व्यंजन अक्षर। स्वर मतलब कहते हैं स्वराट, और व्यंजन मतलब विष्णु जन, व्यंजन विष्णु जन। तो जैसे अ आ ई ऊ ये सब स्वर अक्षर कहलाता है, तो स्वराट इंडिपेंडेंट है। और कवर चवर तवर ये सब व्यंजन है। क बिना अ के क का कोई अर्थ नहीं, जब अ न रहे तो क का नाम प्रणांतर होते हैं, प्रोनाउंस भी नहीं करेंगे बिना अ का। क बिना अ के प्रोनाउंस करो क का, बिना अ के क का प्रणाम करे क का कोई प्रणाम कर सकते हो तो ठीक। वैसे ही जिस प्रकार से व्यंजन बिना स्वर के अस्तित्व में नहीं आ सकता है, वैसे ही आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है बिना परमात्मा के। इसी का सर्वात्मा, सबके जो आत्मा जो परमात्मा के रूप में सबके जीवन विद्यमान है, समदृशो, और जो सब पर समान भाव रखते हैं, जो भजन करता है उसका भी समान भाव रखते हैं, और जो भजन नहीं करता है उसका भी समान भाव। ये जो भजन करे और समझे कि भगवान हमको दो छोटा गला दे देंगे तो मिलता है उसको, भगवान एक छोटा गला है मैनेजमेंट भगवान पड़े पक्का है, यथा मां प्रवदन्ते प्राप्त योग्या तौल कर मैं देता। तो जो जैसा कर्म करेगा कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भगवान देंगे। ये नहीं कि भक्त है तो आकर के गुरुपा जी कहते हैं कि संसार प्रवर्ग है, कर्म सबको करना है। भगवान नहीं कहा कर दूंगो मैं तो भगवान हूं सबको मार डालूंगा तो व्रत पकड़े गंजा पियो। भगवान हिंदियों को प्रचार कर रहे थे ना, भगवान ने कहा तुरंत पड़े गंजा के बैठे को मार डालूंगा, कर्म करो, कर्म करना ही पड़ेगा। सम विश्व भगवान के दृष्टि में भिन्नता है, हम लोगों के दृष्टि में भिन्नता हो सकती है, भगवान की दृष्टि में भिन्नता नहीं। जब भगवान का कोई भी विधान है उसमें भेदभाव नहीं होगा। मान लीजिए वर्षा है, जब वर्षा होता है चाहे समुद्र हो चाहे पर्वत हो चाहे किसान का खेत हो, सब जगह समान भाव से वर्षा होगा। ये खेत में खेती करना है जरूरत है, यहाँ पड़ता है समुद्र तो बहुत पानी वाली जरूरत क्या है, यह पहाड़ पर पेड़ को क्या फायदा। सम विश्व ही अद्वयस्य अहं ते, भगवान ही मतलब निश्चित समझ गए, ही मतलब, ही मतलब अल्टीमेट सर्टेनिटी के लिए ध्यान देते हैं। ही अद्वयस्य, भगवान दो नहीं है, भगवान एक है, भगवान परम पुरुष है, अद्वय है और अहंकार रहित है। तत्कृतम मति वैषम्यम निर्वदस्य न चित्। वे मति वैषम्य यानी भेदभाव से परे और वे संदर्शी हैं भगवान। अब इतना कहने के बाद अब भगवान का गुणगान कर लिए, दिल को समझा लिया, संहार के रूप में कहते हैं। और यह श्लोक बड़ा ही साफ कवित श्लोक है, मैं सोच रहा हूं कि आज कहूं इसको कल कहूं, एनीवे आज कह देता हूं, अब कल श्लोक आएगा कि इसके बाद। तथापि एकांत भक्तेश पश्य भूमा अनुपंडितम यन्मे यन्मे असुंत साक्षात कृष्ण दर्पणागत। भगवान समदर्शी हैं, सब पर समान दृष्टि रखते हैं।
एकांत भक्तेषु, जो एकांत भक्त हैं उन पर भगवान बहुत कृपा करते हैं, अनुकंपा करते हैं। इसीलिए कि भगवान मुझ पर अनुकंपा करते हुए यम में असुंत्यतः असुंत प्राण त्यतम त्यागने का, जब मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं, मैं प्राण त्यागने जा रहा हूं, साक्षात कृष्ण दर्शन आगत, वे मेरा दर्शन करने के लिए हाथ आए हैं, मेरा दर्शन करने के, दर्शन आगत, दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। तो भगवान का एक कृपा है कि भगवान को अच्छा लगता है भगवान का दर्शन करना। पांडवों का दर्शन करने हमेशा जाते थे, जब भी कोई तकलीफ होता था पहुंच जाते थे वहां पर दर्शन करने के लिए। दर्शन कर दर्शन देना भी जाता है, दोनों हो जाता है। और सिद्धांतिक रूप से बात है कि हम क्या दर्शन कर सकते हैं, हम भगवान क्या अपा से कृष्णाम आदि न भविष्य, भगवान ही हमारा दर्शन करते हैं। मंगलारती में आया है, गुरु पूजा में आए थे, क्लास में भगवान देखते हैं, कभी कभी कोई नहीं आता भगवान सोचते कहाँ रह गया अभी हमारा, तो आना चाहिए सत्योग्रह। कृष्ण दर्शन आगत, कृष्ण दर्शन के लिए आए हैं, कृष्ण दर्शन देते नहीं हैं, दर्शन लेते हैं। और दर्शन बहुत ही व्याख्या में कल कर रहा है, दर्शन देने में और दर्शन लेने में अंतर क्या है। भगवान दर्शन लेते हैं, लेने का मतलब होता है सब कुछ हमारा जो अनवांटेड डिजायर है ना उसको कर लेते हैं दर्शन लेकर। मैं दर्शन का व्याख्या कर रहा हूं आज कल, तो श्लोक संख्या 23 आप कल लिख देना, क्या 24 दोनों दर्शन पर नहीं आ जाएगा। और स्टॉप के या श्री भगवान की जय, गंगा श्रद्धा। कोई प्रश्न है किसी को? ऐसा मैं करूंगा, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी कथा में वर्णन हुआ था, आप बता रहे थे कि विश्व पिता महाराज कुंती माता जी को संबोधित करते हुए कहा कि इसके पति भगवत धाम चले गए, तो महाभारत में जैसे वर्णन आ रहा है कि उनको श्राप था कि वो किसी के साथ भोग करेंगे तो शरीर त्यागे, और गीता में भगवान कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता करेगा, तो उनकी मति अंत काल में कैसी रही और कहां गए लेकिन इतना जरूर कि कुंती के पति थे, प्रथा के पति, और प्रथा को बड़ी लड़की कृष्ण की बुआ थी, तो मुफ्त में इंटरेस्ट मिल गया होगा आइए। तो मामा भी मैंने कृष्ण के मामा देखा नहीं है, कृष्ण के मामा भी तो बस थे, उनको तो डबल मुफ्त में इंटरेस्ट मिल गया डायरेक्ट डायरेक्ट। ये तो उनकी मति कैसी अंतकाल में क्या हुआ? पांडु बचपन से भक्त थे, पांडु भक्त थे, व्यास देव के पुत्र हैं जी, अड़ी कोई नहीं है, व्यास देव के पुत्र हैं पांडु, पांडु भक्त थे, पितृवत् रंजन पांडु का गुणगान किया गया है, जरा जीवन नहीं दिए 25 साल तक निसंदेह भगवान के धाम में गए थे, आपको इतना अपने लिए चिंता करना चाहिए हम कहा है आपको या इसलिए कोई बात की जाए। तो गुप्तों के लिए प्रसाद भी है।